बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज भी मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आपके रुपए पैसे की बचत भी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। और वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक इसको पूरा देखना है। तो चलते हैं टिप नंबर वन की तरफ। बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही आसान है, आपके बहुत ही काम आने वाली है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घरों में ना एक से ज़्यादा ताले होते हैं, चाबियां हमने एक रिंग में परो रखी होती हैं, तो हमें समझ नहीं आती कौन से ताले को कौन सी चाबी लगनी है। इस तरह से हमारा टाइम भी बहुत ज़ाया हो जाता है। तो हमने क्या करना है, बहुत ही यूज़फुल टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आपने इसको फुल वॉच करना है। यहाँ पर मेरे पास नेल पॉलिश या किसी भी रंग की ले लीजिएगा, और यहाँ पर हमने ताले के ऊपर निशानी लगा दी है नेल पॉलिश की, और इसी रंग की नेल पॉलिश को हमने उसी ताले की चाबी को हमने इसके ऊपर लगा देना है। तो नेल पॉलिश लगाने का ये फ़ायदा होगा कि आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ये वाले ताले की चाबी ये वाली है। तो इस तरह से आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और बहुत आसानी से ताला भी खुल जाएगा। चलते हैं टिप नंबर टू की तरफ। टिप नंबर टू मेरी बहुत यूज़फुल है, आपने इसको पूरा देखना है। यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बच्चे जो होते हैं पेन के साथ निशान लगा लेते हैं अपने कपड़ों पे, सफ़ेद रंग के जो कपड़े होते हैं उन पे भी लगा लेते हैं, हाथों पे भी लगा लेते हैं, मुंह पे भी लगा लेते हैं। अक्सर टीचर जो होती हैं बच्चों के मुँह पर स्टार भी बना देती हैं, तो बहुत ही बुरा लगता है। हमने क्या करना है कि इसको हमने कैसे ख़त्म करना है इस निशान को। हमारे पास अक्सर बॉडी स्प्रे होती है और ये परफ्यूम होती है ना आपके घरों में, आपने क्या करना है कि इस तरह से बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम इसके ऊपर इस तरह से छिड़क देनी है, और देखिए कितना आसानी से ये ना हमने निशान ख़त्म कर लिया पेन का। तो ये वाली यूज़फुल टिप ट्राई करके आप भी इस तरह से ना पेन के निशान ख़त्म कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपकी टिप, ये आपने इसको ज़रूर लाइक करना है। चलते हैं टिप नंबर हमारी जो थ्री है, ये भी बहुत यूज़फुल टिप है। इस तरह से ना आपने क्या करना है कि हमारे पास इस तरह से बोतल के जो कैप होते हैं ना, हम अक्सर इसको फेंक देते हैं, तो ये आपके बहुत ही काम आने वाले होते हैं। इससे हम ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र रेडी करेंगे, और आपने इसको पूरा देखना है, ठीक है जी, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैंने छुरी के साथ ना यहाँ पे कट लगा लिया दोनों तरफ, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र बनने जा रहा है। तो आपने इसको पूरा वॉच करना है। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा ढक्कन ले लिया है, इसके ऊपर मैंने डबल टेप जो होती है ना यहाँ पे इसके ऊपर अटैच कर दी है, मैंने चिपका दी है। और ये जो ढक्कन जिसके ऊपर हमने ये कट लगाया था ना, इसके ऊपर हमने इसके साथ बिल्कुल ज़बरदस्त सा अटैच कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा मैंने ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिया है, बिल्कुल भी पैसे नहीं लगे, और घर में ही हमने जो हमारी चीज़ें थी आसानी से बना लिया है। तो छोटा सा हमारा स्टैंड बन चुका है मोबाइल का, यहाँ पे हमने इसको मोबाइल को स्टैंड के ऊपर लगा लिया है, और अब दिल चाहे आप लेट के भी देख सकते हैं, बैठ के भी देख सकते हैं। जब हम मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं, यूज़ करते हैं, हमारे हाथ थक जाते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र रेडी किया है। तो मैं आपको चैनल यहाँ पर चेंज करके दिखाती हूँ, यहाँ पर हमने जो देखना है आराम से हम इसको क्लिक करेंगे और देख लेंगे। तो कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र है, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरी बहन का चैनल है ताहिरा मलिक किचन हैक्स के नाम से, इसको भी जाके सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं। चलते हैं टिप नंबर हमारी जो फोर है, बहुत यूज़फुल टिप है हमारी ये। ये वाली मेरी टिप बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, आपने इसको ज़रूर देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास टूथपेस्ट होती है ना, अक्सर इस तरह से थोड़ी रह जाती है, हमने क्या करना है क्लॉथ क्लिप जो होते हैं ना, इसको हमने इस तरह से आराम से मोड़ के इसके ऊपर लगा देना है, तो आसानी से हम इसके अंदर से ना पेस्ट निकाल सकते हैं, तो ये पीछे भी नहीं जाएगी। और यहाँ पर हमारे जो फेस वाश होते हैं या फिर सन ब्लॉक होते हैं वो भी अक्सर पीछे चले जाते हैं, हमने इसको दबा के यहाँ पर हमने क्लॉथ क्लिप लगा देनी है। तो इसके बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, आपने इसको ज़रूर आजमाना है। इस तरह करके हम अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, बहुत खुशी होती है, हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं टिप नंबर जो हमारी इस तरह से फाइव है ना, ये बहुत ही हमारे काम आने वाली है। आपको पता है कि रमज़ान मुबारक है, हमारे घर में अक्सर चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं, तो इनको ख़राब होने से हमने कैसे बचाना है। यहाँ पे मेरे पास डबल टेप है, कोई भी टेप ले ले जो भी आपके घर में मौजूद है, तो मैं यहाँ पे ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो जहाँ पे आपके टमाटर जो होते हैं निशान लग जाते हैं और ख़राब होने का ख़तरा होता है, आपने छोटे छोटे पीस काट लेने हैं टमाटर, जहाँ पर अभी आपके ख़राब होने वाले हैं आपने वहाँ पर ना इसको टेप को चिपका देना है। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि आपके टमाटर जो ज़्यादा देर तक ना लंबे अरसे तक ठीक रहेंगे। ये देखें यहाँ पर निशान है, यहाँ पर मैं लगा दूँगी इसको। इस तरह करने से आपके टमाटर का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा, ख़राब नहीं होंगे। और ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, इससे हमें खुशी होती है और हौसला अफजाई भी होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे तमाम टमाटरों को ना इस तरह से लगा दिए हैं। अगर आपके भी टमाटर ख़राब होने वाले तो यही तरीका आजमाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।